सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाई जरा, ये देखिए 31 में मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, व्हाई डिड पीएम एंड एचएम गिव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू द 5 करोड़ फैमिलीज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट? इज इट देयर जॉब टू गिव इन्वेस्टमेंट एडवाइस? सेकेंड, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. मैं हिंदी में बोल देता हूं, प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उस उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, अभी अभी राहुल जी ने आपको स्पष्ट तरीके से क्रोनोलॉजी समझ लिया। बार बार गृहमंत्री कहते थे अब क्रोनोलॉजी समझिए, आज राहुल जी ने देश को क्रोनोलॉजी समझाया है। इसके ऊपर अगर आपके सवाल हैं तो एक एक करके आप पूछेंगे, एक एक करके। आई हैवन सेट द क्रोनोलॉजी इन इंग्लिश, सो आई विल से द क्रोनोलॉजी इन इंग्लिश। 13th May 2024, द होम मिनिस्टर सेज बाय शेयर्स बिफोर 4th of June। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन
to retail and investors and others to buy stock. 19th May, for the first time, and then repeatedly until the 28th May, the Prime Minister says that the stock market is going to break records on 4th June. Finally, on 4th June, completely fictitious exit polls are released. These investors are given a completely wrong impression. And on the 3rd of June, as we all know, the stock market breaks all records and then crashes on the 4th of June. Whoever has made money as the stock market rose and also as the stock market crashed. And we are interested in having a joint parliamentary committee, a JPC, to investigate the role of the Prime Minister, the role of the Home Minister, role of BJP members, and also those people who have done these fake exit polls. And finally, we want to understand who are the people, these foreign investors, who did these trades. So we want an investigation for that. Shukriya Rahul ji. Ah, Sanjay. राहुल जी, इससे पहले भी आपने अदानी इशू पे जेपीसी पिछली लोकसभा में मांग की थी, तो क्या आप चाहेंगे कि ये इशू और हिंडनबर्ग इशू दोनों कंबाइन हो और दोनों की जांच हो? ये जो इशू है, दिस इज अ ब्रॉडर इशू देन जस्ट द अदानी इशू. इट इज कनेक्टेड टू द अदानी इशू, बट दिस इज अ मच ब्रॉडर इशू. दिस इज डायरेक्टली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, Home Minister, who are privy to data on actual election results, who have IB reports, who have their own data, who are advising retail investors to buy stock on the floor. This has never happened before. And by the way, the Prime Minister has never commented on stock market before this. This is the first time the Prime Minister has commented, very interestingly, and multiple times, one after the other, saying that stock market is going to boom, stock market is going to boom, stock market is going to boom. And at the same time, he has information that the exit polls are wrong. He has information that he knows what is going to happen because he has IB data and he also has his own party data. Anji Ravi. चैनलों ने मिलकर ये सब चीज किया है, जिस तरह से एग्जिट पोल करके लोगों को गुमराह किया है, जिस तरह से शेयर बाजार में सारा कुछ हुआ है. जी न्यूज ने भी इस मामले को उठाया है और बताया है, और आपके कहने का सीधा अर्थ है कि अडानी को इसका फायदा उठाने के लिए किया गया है? नहीं, मेरा कहने का ये अर्थ है कि उसमें अडानी इन्वॉल्व हो सकता है, मगर ये अडानी से बहुत बड़ी चीज है. इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए. उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है. कितने का 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है? कितने का? 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है. और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर. हाँ, शेमिन. This is based on the value, market value of all the companies the day before the results came, and the market value of the stock market of all the companies at the end of the day on results. Ah, Sanjeev. Sanjeev.
राहुल जी, यू टॉक्ड अबाउट, यू नो, आर यू एलेजिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर? यस. एंड हुज मनी इज इट? यस. आर यू सेइंग दैट इज व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग दैट पीपल वेरी हाई अप इन द बीजेपी हैव कैरीड आउट दिस स्कैम. आई एम सेइंग दे हैड पार्टनर्स हु कैरीड आउट दीज एग्जिट पोल्स. वी वुड लाइक टू नो इफ दीज एग्जिट पोल्स वर एक्चुअली कैरीड आउट, इफ पीपल वर एक्चुअली सेंट आउट. And we'd also like to know the methodology of these polls. We'd like to understand who these investors are. We have some sense of who these investors are. So we're not just speaking out of the air. We are confident that if an investigation is done, interesting things will be revealed. And we think the Prime Minister and Home Minister are directly involved in this. Ashidas. शेयर बहुत अप करे, जिनके सबसे ज्यादा शेयर खरीदे गए और इसके शेयर उसके बाद में बीच में बेचे भी गए, इन उन कंपनीज का भी को भी इस दायरे में आना चाहिए आपको लगता है? हमारा कहना है कि यहां पे बड़ा क्लियर है कि स्कैम हुआ है. प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली कहा है, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा है, इंडिकेट किया है जनता को कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी. होम मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया कि खरीदना चाहिए. और जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है, लोग उसको बिलीव करते हैं. तो बिल्कुल क्लियर है कि इन तीन लोगों ने कहा है. यह भी क्लियर है कि इनको मालूम था कि रिजल्ट 400 का नहीं है, 300 का भी नहीं है. तो ये हम पता लगाना चाहते हैं, उसमें आप जो कह रहे हो भी शामिल है. राहुल जी, ब्रह्म प्रकाश दुबे, इंडिया डेली लाइव से. मेरा सवाल यह है कि जो आपने बताया इतना बड़ा स्कैम है, पहले भी आपने कई मामले उठाए हैं, जेपीसी की मांग पहले नहीं मांगी गई है, तो क्या आपने कहा ये आपराधिक मामला है, क्या कोर्ट में जाएंगे या पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है ये? नहीं भैया, मैंने अभी आपको बोला हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन डिमांड. अगर नहीं मांगते तो पुलिस में, कोर्ट में जाएंगे? जो भी करना है करेंगे, बट हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो हुआ है ये नॉर्मल चीज नहीं है. इसमें प्रधानमंत्री ने इंडिकेशन दिया है, होम मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, अदानी जी के चैनल्स के थ्रू इंटरव्यूज किए हैं, और फाइनली लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लोगों ने फाइनेंशियल एक्शन लिया है, कंपनीज ने शेयर खरीदे हैं. इसी विषय पर इस स्टॉक मार्केट घोटाले पर ही हम सवाल ले रहे हैं. मौसमी, इसी विषय पर कीजिएगा बस. एक मिनट, आ रहा हूं. राहुल जी, एक एक करके आ रहा हूं. राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बार जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है, तो क्या आप? ये तो बीजेपी की लाइन है. तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वोटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, मैं आपको दे दूंगा, उनका उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है. सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है. इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए. बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल पूछे ना, नहीं आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, सवाल गलत बात है. सवाल पूछे, मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बार कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह, आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है. हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है. नॉर्मली बीजेपी की यह पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई इस मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं.